इंदरगढ़ के शीतलागंज इलाके में सुबह 11 बजे बर्तन एवं टाट पट्टी की दुकान के पीछे कचड़े में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लेते हुए बर्तन की दुकान सहित 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं महेश सोनी पुत्र राम सेवक सोनी की बर्तन की दुकान में सबसे ज्यादा 7 लाख का नुकसान हुआ है, तो वहीं अनिल पुत्र मुन्ना शिवहरे की बांस बल्ली की दुकान, दीपक लोपिटा का खाने पीने का सामान, गोपाल जनरल स्टोर और वीरेंद्र धाकड़ गल्ला व्यापारी को मामूली नुकसान हुआ है। शीतलागंज में महेश सोनी की दुकान थी, उसमें बिजली की कोई शॉर्ट सर्किट से संभवतः आग लगी है, जिससे उसके आसपास की 4-5 दुकानों में भी आग से क्षति हुई है। अब वो कितनी क्षति हुई है ये तो बाद में दुकानदार अपना पूरा आकलन करके बताएंगे, तो स्पष्ट हो पाएगी स्थिति। बाकी आग बुझा दी गई है, कोई ऐसी अप्रिय कोई जनधन की कोई हानि नहीं है। आग लगी जैसे हम लोगों को पंखा के एहसास से महसूस हुआ कि आग लगी, पीछे मोहल्ला वालों ने संयोग किया, दोनों फायर ब्रिगेड आई, इतने में दुकान पूरी हमारी जल गई, लगभग 7 लाख के लगभग नुकसान हमारी दुकान में हो गया है। लगी कैसे जी पता है? ये पता नहीं है सर। कहाँ से लगी आपकी आग? पीछे से, दुकान के पीछे से लगी। पीछे क्या कचड़ा वगैरह डाला? नहीं, वो टटिया वगैरह टिकी थी और कचड़ा भी रहता है सर पीछे। क्या अनुमान है आपको, किस तरह की लग सकती है आग? किसी ने शरारती तरह ने आग डाली है या लाइट भी कड़ी है भाई साहब? नहीं सर, वो लाइट से नहीं लगी आग, लेकिन कोई ऐसी शरारती के कारण ही लगी। मेहंदी ऐसा भी कुछ फेंक दिया हो कचड़े द्वारा, टटिया में बैठ गई हो या 7 लाख के रुपए करीब लग रहा है। 7 लाख के करीब नुकसान है सर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।